हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, कैसे हैं आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस मैं आज आया हुआ था, ये मंडोली रोड है, अशोक नगर कहते हैं इसे, अशोक नगर रोड। तो यहाँ मैं जो आज आया था, यहाँ पूरी सब्जी वाले भैया हैं, तो चलते हैं आपको शॉप के लेके अंदर। पर यहाँ पर काफ़ी मशहूर पूरी सब्जी वाले भैया हैं। सो गाइज़ ये है वो रोड, मंडोली रोड, जहाँ हमें जाना है, ये पूरी सब्जी वाले भैया की साइड। तो वो देख सकते हैं आप, वो फ्रंट में वो रहे भैया, पूरी सब्जी वाले भैया। तो चलते हैं शॉप के अंदर आपको लेके। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है सुबह के टाइम, आपको देख सकते हैं। चलते हैं भैया की तरफ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रेड पकौड़ा, समोसा, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ, सर मिल जाते हैं आपको। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, हाँ तो बता दीजिए आप, बेडमी पूड़ी और कचौड़ी आपकी जो फेमस है, सबसे ज़्यादा बेडमी पूड़ी रहती है, तो देख सकते हैं आप। और इनका प्राइस क्या रहने वाला है वो भी आप कवर कर दीजिए मुझे, ये सब बता दीजिए। 30 रुपये प्लेट है, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस है, देख सकते हैं आप। तो आपको ये सर मिल जाते हैं यहाँ से आपको। और सर यहाँ पे मुझे एड्रेस बता दीजिए, कैसे आना होगा यहाँ पे? ये सर मंडोली रोड जी, देवन पार्क के पास। नहीं, अगर जैसे मंडोली रोड से आ रहा है कोई, अशोक नगर या मीत नगर की साइड से, तो कैसे आना होगा वहाँ से? ये इधर मंडोली रोड पड़ेगा आपको, तो देख सकते हैं आप मंडोली रोड से, ये रहा आपको। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है ये। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा पतीला है सब्जी का, इसमें ये जो आलू डले कम से कम 60-70 किलो तक के आलू की सब्जी बनती है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको सर मिल जाते हैं और काफ़ी भैया मिल जाते हैं आपको सर्व करने के लिए। और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, ये देख सकते हैं आप। सो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है मॉर्निंग के टाइम, आपको जो मैंने दिखाया था सर, देख सकते हैं आप। और मॉर्निंग में अगर, अभी तो मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ फिलहाल, अब मॉर्निंग में आप आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि इनकी एक तो सब्ज़ी इतनी टेस्टी रहती है और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में है इनकी सब्जी पूरी। तो इनके सामने एक बोरी शॉप, देख सकते हैं आप, कड़ी, ये देख सकते हैं कड़ी और चावल, कड़ी चावल है नहीं? हाँ जी, कड़ी चावल भी देते हैं। इसका क्या प्राइस रहने वाला है भैया कड़ी चावल का? 30 रुपये। 30 रुपये, तो देख सकते हैं इसका भी प्राइस 30 रुपये रहने वाला है कड़ी चावल का। अगर पूरी सब्जी खाने नहीं है आपको या मन नहीं है, तो आप कड़ी चावल भी ले सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए ऊपर करके, पकौड़ी भी है देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक है ये देख सकते हैं आप। वैसे मॉर्निंग तक तो ये भरा ही रहता है यहाँ तक, अब ये है काफ़ी लेट भी आया, 10:30 या 11 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप। गाइस आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे पूड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, ये देख सकते हैं अचार जो मैंने आपको दिखाया था, हरी मिर्च का अचार, ये रही पूड़ियाँ जो भी बन रही है, ये भैया बेल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, एक गरम गरम पूड़ियाँ सिक रही हैं, ये देख सकते हैं आप। भैया से बात करते हैं, हाँ जी भैया जी, एक दिन में कितने तक का आटा लग जाता होगा इसमें, कितने किलो तक का? ये देख सकते हैं आप, 30 से 35 किलो तक का आटा लग जाता है इसमें। और जो सब्जी का मैंने बताया था, उसमें से 50 से 70 केजी तक के आलू लग जाते हैं सब्जी में। तो देख सकते हैं काफ़ी फेमस शॉप है ये, तो एक बार आप विज़िट करिए और खा के देखिए। और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस भी रहता है इस पूरी सब्जी का। और अगर पूरी सब्जी नहीं खानी, आपको कड़ी चावल का मन है, तो कड़ी चावल भी खा सकते हैं आप मॉर्निंग में। और यहाँ पर कचौड़ी वगैरह सब अवेलेबल है आपके लिए, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी वगैरह, देख सकते हैं आप। और जो मैंने आपको रोड बताया था, वो ये रहा मंडोली रोड, यहाँ से आप आएँगे तो आपको रोड के बिल्कुल ही साइड में ही भी देख सकते हैं आप। और काफ़ी भीड़ रहती है शॉप पे। और सर की ये सामने वाली शॉप भी है, यहाँ पे आपको छोले भटूरे टाइप पाव भाजी या ढोकला वगैरह भी मिल जाता है, बट वो शाम के टाइम मिलता है। ये मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट रहता है, वो पूरी सब्जी, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, इन सब चीज़ों का रहता है, समोसे वगैरह जैसे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर पैकिंग भी चल रही है, देख सकते हैं आप। सो गाइज देखिए आप, मैंने जो आपको मैंने बताया था, आप देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा लेट आया हुआ हूँ, और अगर मैं मॉर्निंग में आया होता सुबह के 8-8:30 बजे के करीब, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती, बट अभी थोड़ा सा रश कम है। बट आप अब भी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे तो ये नन्नगरी कहलाया जाता है, बट ये यहाँ पे अगर नियर बाय जो रोड रहता है, इसमें ये आपका मंडोली रोड रहता है, तो देख सकते हैं आप। ये रहा पीछे वाला रोड, जो मेरी बैक साइड में जो रोड है, सीधे मंडोली रोड है ये अशोक नगर मीत नगर रोड से भी मिलती है ये। जो बैनर था वो मैंने आपको दिखाते हैं, छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़े, गर्म समोसा, ये देख सकते हैं आप। इसमें टोकन लेना पड़ता है आपको,
देखिए देखिए, सब्जी का तो मैंने वैसे कवर ही करा दिया था आपको पहले, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पतीला ऊपर तक भरा रहता है, तो देख सकते हैं काफ़ी लेट भी आया हूँ मैं, तो इसलिए अभी ये खा लिया है थोड़ा सा। और अभी अभी सर ने दोबारा इसे रिफिल करा है, भरा है अभी इसे, देख सकते हैं आप। और इसमें आपको पहले टोकन लेना होता है, तभी आप यहाँ से सब्जी पूरी ले सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये कचौड़ी रख रखी है सर ने, ये समोसा रख रखा है, देख सकते हैं आप। जितनी चाहे अपनी उतनी सब्जी डलवा सकते हैं आप। यहाँ पर रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन, रायता। सो गाइस एक दोनों लगवा लेते हैं हम भी एक प्लेट अपने लिए। ये देख सकते हैं आप, सब्जी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है सर की, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मॉर्निंग में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है सुबह के टाइम, देख सकते हैं आप। तो भैया जी हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो, है ना, देख सकते हैं। रायता भी मिल जाता है, ये देख सकते हैं आपको अलग से लेना पड़ता है। एंड इसमें आपको एक गुलाब जामुन भी मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो चलते हैं खाते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं इसका कैसा टेस्ट है। सो गाइस देख सकते हैं 30 रुपये में काफ़ी चीपेस्ट प्राइस है। इसमें तीन पूड़ी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, सब्जी आप कितनी भी ले सकते हैं आप, अनलिमिटेड है आप। और देख सकते हैं इसमें आपको हरी मिर्च मिल जाती है, और ये आपका रायता रहता है। और अगर गुलाब जामुन खाने का मन है तो आप गुलाब जामुन भी ले सकते हैं सर से, ये देख सकते हैं आप। गाइस एक कॉल में पता नहीं चला, आप दूसरा कॉल लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट आता है। तो खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, एक बार आप यहाँ पे आके विजिट करिए। तो यहाँ पे आपको रायता भी अलग से लेना पड़ता है, ठीक रहता है, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी फेवरेट चीज़ है ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से रिलेटेड। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीट की भी कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आप आराम से इस टाइप रख के खा सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे अपने रख के खा सकते हैं, और यहाँ पे डस्टबिन में अपने कूड़ा डाल सकते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में, मैं आगे और सर से बात कराता हूँ यहाँ पे कैसे आना होगा, विज़िट वगैरह कैसे करना होगा, लोकेशन कैसे होगी यहाँ की। सो यहाँ ले आते हैं सर के पास। सर अपना ये बता दीजिए मुझे, यहाँ से एड्रेस वगैरह कैसे आना होगा यहाँ पे, अगर जैसे कि व्यूअर आते हैं तो विज़िट कैसे करेंगे आपके पास आने के लिए। सर आप मंडोली रोड पर जी, जी तो आप जैसे अभी सुबह लगाते हैं पूरी सब्जी कचौड़ी समोसे का, है ना, नाश्ते में। और शाम का क्या रहता है आपका? शाम को सर छोले भटूरे रहते हैं जी, छोले भटूरे, पाव भाजी वगैरह, पाव भाजी जी, दही बल्ले वगैरह हो गए, गुलाब जामुन गरम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, जो कि काफ़ी सर्दी में तो काफ़ी मतलब बैटरी रहता है, गाजर का हलवा ही खाते हैं सर्दी में तो ज़्यादातर। तो देख सकते हैं, तो सर से अलविदा लेते हैं। तो अब गाइस देख सकते हैं मेरा तो हाथ रुक नहीं रहा बिल्कुल ही, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पूरी सब्जी है और काफ़ी गर्म भी है ये, तो आपको ये गर्म ही मिलती है, काफ़ी ठंडी नहीं होती है, गर्म एकदम फ्रेश बन के आती है, फ्रेश उस पतीले में जाती है सीधा। तो देख सकते हैं आपको जो भी चीज़ मिलेगी गर्म ही मिलेगी, पूरी भी गर्म मिलेगी, सब्जी भी गर्म मिलेगी। तो लेता हूँ एक और। कितने किलो आलू के? 50 से 70 किलो के आलू के, देख सकते हैं आप। अभी हाफ हो गए हैं, सुबह के टाइम अगर आप आते हैं आलू तो देख सकते हैं काफ़ी गर्म सब्जी है ये देख सकते हैं आप। लगा होगा और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को काफ़ी ज़्यादा लाइक करें और अपना प्यार बांटें। सो गाइस आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 11:30 बजे के करीब गया हुआ था, बट वहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं 8:30 बजे 8:30 बजे के करीब तो काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है आपको वहाँ पे। तो आपसे तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि मॉर्निंग में जाइए 8:30-9 बजे के करीब, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। एंड जब मैं मतलब गया था 11:30 बजे तब भी वहाँ पर फ्रेश ही माल, क्योंकि एनी टाइम कभी भी जाते हैं एकदम फ्रेश माल ही मिलता है हमको वहाँ पे, और एकदम गर्म गर्म सब्जी सर ने सर्व करवा दी थी और पूड़ी वगैरह दे दी थी।
एंड सर ने मुझे दोबारा इनवाइट करा है शाम को सर के वहाँ फूड कार्ट लगता है, वहाँ पे आपको चाट वगैरह दही बल्ले लाइक जैसे छोले भटूरे के शौकीन है कुछ छोले भटूरे भी रात में खा सकते हैं एंड रसमलाई समोसे ब्रेड पकौड़े भी शाम को चलते ही इवन एंड उसके रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह वो भी देखने को मिलते हैं। तो शाम को आपको वहाँ पर दोबारा विजिट करा रहे हैं, दे के चलता हूँ। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।